मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है? आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है, हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं, तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की? क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है? When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूंगी। गुड न्यूज का माँ बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज वो है। और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया। मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज वो है। और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया। मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि एक दो मिनट या पाँच मिनट या पंद्रह मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूंगा, तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा, ऑफकोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माय टू बेबीज व्हाट दैट फेल्ट। लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना, गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है। तो आई ऑल्वेज की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में, सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर। मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद कुछ बुरा ही होने वाला है। आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट। सर यहां पे हां सर, बस 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 अक्षय सर, अक्षय सर सेंटर 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 करिए सेंटर। अक्षय सर यो सेंटर बोल। अक्षय सर, अक्षय सर सेंटर लेफ्ट लेफ्ट सेंटर 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 करीना जी, करीना जी आप ऊपर से कोई करीना जी यहां पर